हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब? तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हैलोकेंस एंड हैलोरिंस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसके कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जिनसे क्वेश्चन बनेगा फाइनल पेपर में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कन्वर्जन कौन कौन से बन सकते हैं, मैकेनिज्म कौन कौन से बन सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड मैं श्योरली बोल रहा हूँ, इससे अलग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके 100% मार्क्स जितने इस चैप्टर के हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, श्योरली आपके हो जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि एनसीईआरटी टॉपिक आपने कौन कौन से सबसे अच्छे से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 22, और किसी भी बोर्ड की जगह मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं अभी ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है ये सारे का सारा सीबीएसई के लिए डाटा मैं आपके सामने बता रहा हूं। ठीक है, अगली बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के कौन से है भाई, जिनसे क्वेश्चन बनेगा, बनेगा ही बनेगा। बेटा जी, आप लोग करने वाले हो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ये जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पक्के कर लेना। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो टॉपिक आपके बहुत 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 अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये दो टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, इन दो टॉपिक से ही चांसेस है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, और नेम रिएक्शन भी देख लेना, नेम रिएक्शन भी बन सकती है। ठीक है, नेम रिएक्शन से ही कन्वर्जन बनेंगे। कन्वर्जन कौन सा बन सकता है, कन्वर्जन बन सकता है कार्बन को डबल करना, ठीक है, और डबल करना या फिर बेंजीन को डबल करना, ये सब होंगे हमारे विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, या फिटिंग रिएक्शन भी बोल देते हैं उसे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या बनाना आना चाहिए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये किससे बनता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से। बात करें मैकेनिज्म की, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस यूनिट से मैकेनिज्म पूछा जाए, और वो पूछा जाएगा SN1 का, SN2 का। तो ये है सारे के सारे इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं। अब एक जो इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि सुपर डिविजन बैच अभी यूनिट वाइज भी हो चुका है। सुपर डिविजन बैच में आपको क्या मिलता है, कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन कलर्ड बढ़िया वाले, इसके बाद कंप्लीट एग्जाम्पलर का सोल्यूशन, कंप्लीट एनसीईआरटी का सोल्यूशन, कंप्लीट प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन, और हर एक चैप्टर को आप सिर्फ 100 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ 100 रुपए देने आपको हर एक चैप्टर के बारे में, मतलब जो भी चैप्टर आपको लगता है कि मेरा ये वीक है, आप सिर्फ 100 रुपीज पे करके उसको एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल नंबर बताना 8950499662, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप करोगे जो भी आपकी क्वेरीज है। और जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर करना, ये सभी के लिए नहीं है, जो करना चाहे उनकी बात है, बाकी बेटा जी आप इसमें से करो, बेस्ट है ये, जो चाहते हैं वो बड़े शौक से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कि सर हमें डाउट्स आते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी, जो भी है सब कुछ मिलेगा, जो भी मैंने बताया, सिर्फ 100 रुपीज देने, कोई भी चैप्टर आपका वीक चल रहा है वो चैप्टर अगर आपने अच्छे से करना है। इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाओ, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल बेस्ट है जो आपकी बोर्ड के लिए हेल्प कर रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सबकी वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रेगुलर आ रही है, मैथ्स बायोलॉजी इस वीक एंड तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।